हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे मंथली चार्ट से, फिर वीकली चार्ट, डेली चार्ट, ओवरली चार्ट का छोटा सा एक रीकैप करते हुए 15 मिनट चार्ट पे पहुंच के कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस करेंगे। कहाँ स्टॉप लॉस है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, क्या टारगेट बनेगा जब हमारा रेजिस्टेंस क्रॉस होगा, क्या टारगेट बनेगा जब हमारा सपोर्ट क्रॉस होगा, सपोर्ट हिट होगा। ठीक है, तो 5 मिनट चार्ट पे चल के ये भी समझेंगे कि आज के दिन हमारा जो लेवल्स थे उन्होंने किस तरीके से काम किया, कैसे कैसे ट्रेड मिले हमारे को बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, कहाँ मिले, किस तरीके से मैंने ट्रेड किया, वो सब मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, जिससे आप लोगों को सीखने को मिले, आपको समझ में आए कि लेवल्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इंटरडे ट्रेडिंग करनी है तो इंटरडे ट्रेडिंग में सबसे पहले बायसनेस नहीं होनी चाहिए, स्टार्ट करने से पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हम एक ट्रेंड एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम का जरूर करेंगे, जिससे हमें समझ में आए कि ट्रेंड एक्चुअल में क्या है, क्योंकि ट्रेंड हमें कई जगह सपोर्ट करता है। अब देखिए, ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट के ऊपर तो बाय डिप्स मार्केट है, और उसके बाद जब दिसंबर में एक न्यू हाई बना था, उसके बाद लास्ट 3 महीने से बाजार रेंज में कारोबार कर रहा है, वैसे बाय डिप्स मार्केट कंटिन्यू हुआ है। ठीक है, अभी कोई रिवर्सल सिग्नल मंथली चार्ट पे नहीं मिला है, राइट। अब हम वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे भी सेम सिचुएशन है, हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है, ये लोअर टॉप फॉर्मेशन तब कहला देगा जब लोअर बॉट जो नीचे लोअर बॉटम टूटे, तब वो लोअर टॉप लोअर बॉटम कहलाता है, उससे पहले नहीं कहलाता है। तो अभी तक हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा है, ये जो दो कैंडल्स वीकली कैंडल बन रही हैं ये केवल एक पुल बैक है, नथिंग एल्स। ठीक, और हम सपोर्ट के काफी आसपास खड़े हैं, राइट। अब हम डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। डेली चार्ट पे आप लोगों को ये एक छोटा सा ब्रेकडाउन दिख रहा होगा, लेकिन ये ट्रेंड लाइन से अभी भी दूर है जो एक्चुअल में सपोर्ट है, और जो ट्रेंड लाइन नीचे से चलती चली आ रही है। ठीक है, ये लेवल था 32,000 से 32,500 का, वहां से जो ट्रेंड लाइन चलती चली आ रही है उससे भी अभी ये दूर है फ्रेंड्स। तो ये ब्रेकडाउन नहीं है, बस ये जो एक नई ट्रेंड लाइन बनाने लगा था, जो स्टीप ट्रेंड लाइन बना रहा था, वो ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया, यानी कि वो स्टीप ट्रेंड लाइन अभी वैलिड नहीं है। मैंने अभी भी उस स्टीप ट्रेंड लाइन को बना केवल इसलिए रखा है, दिखा केवल इसलिए रहा हूँ, सो दैट आप लोगों को क्लैरिटी रहे कि यस, एक ट्रेंड लाइन टूटी है। अब ट्रेंड लाइन को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, अब आप लोगों को चैनल बहुत क्लियर विजिबल होगा। ठीक है, अब ये चैनल जो है बाजार फॉलो कर रहा है, अब हम इस चैनल को इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, तो अब आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि वाई आई वॉज सेइंग टुमारो, मैं कल ये क्यों बोल रहा था कि बाजार जो है अब बिल्कुल सपोर्ट के आसपास खड़ा हो गया है। तो यहाँ से अभी आप इंट्राडे में सेल ऑन राइज मत देखिए, देखिए आप खुद देख सकते हो कि बिल्कुल ये जो एक नई ट्रेंड लाइन को फॉलो करने लगा है, इस ट्रेंड लाइन पे आके खड़ा है। ठीक है, राइट, मैं यहां से इसको थोड़ा सा और क्लोजली बना देता हूं, तो एग्जैक्ट जो आज का लो बना है वो ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब यहां से आपको दिख रहा होगा डेली चार्ट पे लगातार डोजी बन रहा है, लगातार लगातार डोजी बन रहा है। तो ये किसी भी एंगल से मैं ये नहीं कहूंगा कि वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अभी भी आज एफआईआईज ने कैश बेस्ड सेलिंग जरूर करी है, लेकिन उसका डेरिवेटिव से कोई लेना देना नहीं है। कैश में वो लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर अपना वो चेंज करते रहते हैं, कभी कौन से सेक्टर में कभी कौन से सेक्टर में मूव करते हैं, तो उसको आप मत ध्यान दीजिए, क्योंकि वो लोग तो मिड कैप में भी ट्रेड करते हैं, और मिड कैप में भी पैसा लगाते हैं, स्मॉल कैप में भी लगाते हैं, लार्ज कैप में भी लगाते हैं, बहुत सारे इंडेक्सेस हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी निफ्टी बैंक निफ्टी में पैसा निकल रहा है, यू कैन नेवर से दिस। ठीक है, अब हम लोग ओवर, इसीलिए हम लोग उस डेटा को देखने की बजाय ये समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट से बात करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, राइट, अब देखिए ये एक रेजिस्टेंस पूरा का पूरा 46,750 760 का बना ही दिया है, और इस बार तो मतलब कहीं ब्रेकआउट मिला ही नहीं। ठीक, आज ये नीचे गया भी, लेकिन फिर 46,137 पे जाके क्लोज हो गया, और वहां पर ये जो कैंडल क्लोज हुई इतनी बड़ी कैंडल थी कि भाई 46,190 के नीचे कैंडल
का ये जो सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस टूटा जरूर, लेकिन इस कैंडल के बनने के बाद भी हम शॉर्ट नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि ये कैंडल ही इस तरीके की बनी। मेरे को अगर अगली कैंडल में कोई सिग्नल मिलता तो मैं डेफिनेटली शॉर्ट करता। ठीक, यहाँ कोई कोई रेड कैंडल बन जाती तो अपने को समझ में आया था कि बाजार अब नीचे आके ट्रेंड लाइन को तोड़ने वाला है, लेकिन ये तो ट्रेंड लाइन पे खट बनी हुई है कैंडल। ठीक है, तो इसको कुछ हम कर ही नहीं सकते, राइट। अब हम लोगों को क्या करना है? अब हम लोगों को यहाँ से सिग्नल मिला है कि भाई इसने ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और यहाँ से बाइंग आई, यहाँ पे आके क्लोज हो गया, तो या हो सकता है कि यहाँ से केवल एक बाउंस दिया, नथिंग एल्स। ठीक है, अब हमारे को करना क्या है, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, कल के लिए समझते हैं कि कल हमें ट्रेड किस तरीके से करना है, लेकिन पहले आज के ट्रेड का रिव्यू भी कर ले फ्रेंड्स। ठीक, अब मैं जब रिव्यू करता हूँ तो मैं सबसे पहली जो मॉर्निंग की जो कैंडल होती है उसको इम्पोर्टेंस देता हूँ। ठीक है, मॉर्निंग की कैंडल ये मैंने मार्क करके रखी है फ्रेंड्स। ठीक, राइट, ये 9:15 की कैंडल है 20 मार्च की, आज की डेट की। 46,500 का हाई बनाया, 46,300 का लो बनाया, हमने रेजिस्टेंस बताया था 46,570 का। ठीक है, अब 46,570 का रेजिस्टेंस बताया तो देखते हैं बाजार 46,570 के ऊपर निकला कि नहीं निकला। देखिए एग्जैक्ट हाई 46,570 मारा है, एग्जैक्ट हाई जो 9:35 पे है 46,570 है। हमारे लेवल्स की पावर देखिए आप। ठीक, अब जो ये रेंज बना है, ये रेंज यहां पे जाके टूटा है जब इसने कौन सी कैंडल बनाई है फ्रेंड्स, ये कैंडल बनाई है 9:50 पे 46,420 की। ठीक है, अब यहां से 46,420 से लेके 46,570 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगता है और 150 पॉइंट का ट्रेड एक्टिव होता है। 150 पॉइंट का ट्रेड जो मिलेगा वो हमारे को लेता है 270। ठीक है, अब 270 कहाँ आया, बड़ी जल्दी आ गया फ्रेंड 270। ठीक है, ये 10 बजे ही आ गया 270। क्यों? क्योंकि अभी 250 से 300 का तो हमारा यही था सपोर्ट जोन। ठीक है, अब ये 40 250 से 300 के आसपास आ गया तो 270 पे तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा ही। ठीक, अब इसने क्या किया है, ये कैंडल आप देखिए, दिस कैंडल 10:05 की, इस कैंडल पे इसने 46,190 बना दिया, यानी कि सपोर्ट ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये कैंडल जो मैंने यहाँ गोला मार के मार्क कर दिया आप लोगों के लिए, 46,190 ये ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब जब ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद मैं यहां पे शॉर्ट करूंगा। ठीक है, मैं यहां पे शॉर्ट करूंगा 46,190 के ऊपर, मेरा स्टॉप लॉस इस रेंज के ऊपर का होगा 320 तक का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ये 330 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, यानी कि मेरा 140 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। 140 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरे को 46,050 तक लेके जाएगा। 46,050 कहां पर आया फ्रेंड्स, 46,050 आ गया 10:30 बजे के करीब। ठीक है, यहां पर मैंने एक चीज और मार्क कर रखी है, ये मैंने लाइन मार्क कर रखी है कि एक ये लाइन और मार्क कर रखी है। ठीक है, ये अभी ऊपर जाते वक्त आप लोगों को तीसरा ट्रेड देगी। ठीक है, ये यहां पर नीचे गया है और हमारा जो ऊपर नीचे का टारगेट था, ठीक है, 45,750 से 670 तक का 840 से घूम गया, लेकिन वो ट्रेड हम लेंगे क्यों, हमारे दो ट्रेड ऑलरेडी हो चुके। अब यहां से जब बाजार घूमा है, यहां से घूमने के बाद ये रेंज इसने ऊपर की तरफ ब्रेक करी है 46,250 पे, 46,250 पे अब ये रेंज ब्रेक कर गया, अब ये जो सपोर्ट था रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस था सपोर्ट बन गया, तो ये रेजिस्टेंस पे आके क्लोज हुआ, लेकिन इंट्राडे का पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, 46,250 पे लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा, 46,060 का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है फ्रेंड्स, 190 पॉइंट का मैं ट्रेड लूंगा और 190 पॉइंट यानी कि मेरा 46,440 का टारगेट बनता है, और 46,440 मेरे बड़े इजीली आ गए फ्रेंड्स। ये कितने बजे ही आ गए, 12:30 के करीब आ गए, 12:20-12:25। ठीक है, राइट, गॉट द पॉइंट फ्रेंड्स। तो उसके बाद अब तीन तीन ट्रेड हो गए, नाउ डू नॉट टेक अनदर ट्रेड, एंजॉय कीजिए,
और अब हम लोग आते हैं सीधा सीधा 15 मिनट चार्ट पे मूव करते हैं। पहले ये मैं सारी लाइंस हटा लूं क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी, नहीं तो लाइंस में यहाँ से सारी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर मूव कर जाते हैं। 15 मिनट चार्ट पे हम पहुँचते हैं, 15 मिनट चार्ट पे हम देखते हैं कल किस तरीके का प्राइस एक्शन ले सकते हैं। अभी देखिए यहाँ से तो सेल ऑन राइज कंटिन्यू है, यहाँ से सेल ऑन राइज कंटिन्यू है। ठीक है, अच्छा मेरे को एक क्वेरी आई थी कि भाई मैं अभी एक दो दिन से बोल रहा या दो दिन जो लास्ट कल का ट्रेडिंग सेशन छोड़ के जो पहले के जो दो ट्रेडिंग सेशन गए मैं यही कंटिन्यूस बोल के चल रहा था कि भाई नीचे सेल ऑन राइज वाली जो है ट्रेड उसे मत लीजिए, लेकिन क्योंकि बाजार कंटिन्यूस वहाँ पे खड़ा है इसलिए अब सेल ऑन राइज की ट्रेड हम ले सकते हैं, अब ओपन हो चुका है। ठीक है, अब अगर मिलेगा सेल का ट्रेड तो लेना है आपको, इसलिए मैं दो दिन से आपको बोल रहा हूँ कि सेल का ये, सेल का ये। कल निफ्टी के में भी सेल का मैंने बताया था क्योंकि निफ्टी अब सपोर्ट पे था, नहीं निफ्टी अब सपोर्ट पे आ गया। ठीक है, बैंक निफ्टी में अब आज क्योंकि ऊपर की तरफ चला गया था तो वो जो पुल बैक है वो हमें वो हम प्ले कर सकते थे। ठीक, तो इसलिए हमारे को नीचे की तरफ का ट्रेड मिला, राइट, और क्या पता कोई बड़ा ब्रेकडाउन हो जाता तो इसलिए अब सेल का ट्रेड ले सकते थे क्योंकि मार्केट ऊपर नहीं गई। अब मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई ऊपर नहीं जा रहा, सेलर अब जो है हावी होने की कोशिश कर रहा है इंट्राडे के अंदर, राइट। अब देखिए कल कल कौन हावी हो सकता है, बायर या सेलर, वो से कैसे समझेंगे। ये रेंज का टॉप है 46,660 के आसपास, लेकिन 46,570, 46,570 का जो लेवल है, ठीक, 46,570, ये जो मैंने मार्क कर रखा है आप लोगों के लिए दिस लाइन, ठीक है, ये अगर ऊपर निकलता है तो फ्रेंड्स अब आपको ये सिग्नल मिल जाएगा, ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है ये टूटेगी और फाइनली हमें एक ब्रेकआउट मिल सकता है ऊपर की तरफ। अगर ये निकलता है तो 46,710 से 740 पहला टारगेट होगा और 46,890 दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, 890 तक का मैंने आप लोगों को बोला दिस वन, ये ठीक है, यहां तक का आपको टारगेट मिल सकता है अगर कल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो, राइट फ्रेंड्स। अच्छा नेक्स्ट इज कि भाई अब ये ऊपर नहीं जाता, ब्रेकआउट नहीं दे पाता, नीचे आ जाता तो नीचे का क्या सपोर्ट है। पहला ये 46,200 जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये सपोर्ट है, ये टूटता है तो फिर से 46,020 से लेके 45,910, पहला टारगेट 46,020, दूसरा टारगेट 45,910 आ सकता है जो कि ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है इसको जाके टेस्ट कर ले, ये पुराने वाली, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन कर सकता है। ठीक है, अगर 46,910 के नीचे भी ट्रेड करता है, ठीक है, 46,840 के नीचे ट्रेड करता है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, सॉरी 45,000, सॉरी सॉरी 45,910 के बाद अगर वो 45,840 के नीचे ट्रेड करता है, ओनली इफ ट्रेड बिलो 45,840, हमारा टारगेट बनेगा 45,750 से 670। क्यों बनेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो आज का लो होगा वो लो ब्रेक हो जाएगा, इवन 830 का आज का डे लो जो है वो आप मान लीजिए 830 को अगर ब्रेक कर देता है, ठीक है, 70-80 पॉइंट हम वेट कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो आज का डेलो ब्रेक होने के बाद एक अच्छी सेलिंग आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई देगी, ठीक है, तो आपका जो टारगेट होगा ये मिनिमम 100 पॉइंट का होगा, 45,730 से लेके 45,670। तो आई होप एनालिसिस समझ आई होगी, अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे एनुअल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।
वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।